वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 14 फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी विभिन्न पशुओं का भोजन, अलग अलग टाइप के जो जानवर है जो हम पालते हैं उनको भोजन जो हम उसको जो फीडिंग कराते हैं उसके बारे में अध्ययन है। यानी आपने पहले भी पढ़ रखा है कि पशुओं को जीवित रहने, यानी पशु को जीवित रखने के लिए और उसके वृद्धि करने के लिए और कार्य करने उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा उसको खाद्य पदार्थ अर्थात आहार में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स आदि पोषक तत्वों से मिलती है। यदि इनकी कमी हो जाती है, ये पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाए या उचित मात्रा अनुपात में आहार के रूप में नहीं खिलाएं इनको, तो सभी उम्र के पशु जो है ना वो उनमें उत्पादन में हानि होगी, यानी उत्पादन में हानि होगी, उनकी वृद्धि घट जाएगी, व्यस्तता की अवस्था देरी से आएगी, उत्पादन में हानि होगी। अतः सभी उम्र के पशुओं को खाने पर विशेष तौर पर आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और बच्चा जब गर्भ में रहता है या जन्म लेता है या फिर वो युवा होता है या जब गाय गर्भित होती है, गाय या भैंस, बकरी, भेड़ जो भी गर्भित होती है, और वो जब उत्पादन देता है तभी से उसकी जो ग्रोथ है ना, यानी वो शुरू हो जाती है, हमें उस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था कि भाई हमें पशुओं को आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम देखते हैं कि जो नवजात पशु है, जो पैदा हुआ है पशु, जो बच्चा पैदा होता है गाय भैंस भेड़ बकरी का, उसका आहार कैसे करते हैं, यानी फीडिंग ऑफ न्यू बॉर्न काफ, जो नया बच्चा पैदा होता है उसको हम काफ को किस प्रकार से फीड करते हैं, यानी उसको कैसे हम आहार देते हैं। अब हम क्या गाय या भैंस में या किसी भी जानवर के बच्चे को जब हम पालते हैं छोटे को, तो उसको हम उम्र के आधार पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग आहार देते हैं। यानी जब वो बच्चा 2 दिन का होगा, 1 दिन का होगा, तब अलग आहार देंगे, फिर उसको 3 महीने तक अलग देंगे, 6 महीने तक अलग देंगे, उसके बाद में उसको अलग देंगे। यानी जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 3 महीने तक जो उसको हम आहार देते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी वैसे क्या है कि आप लोग जानते हो कि जब बच्चा का पोषण जो है, बच्चे का न्यूट्रिशन जो है गाय के या भैंस के बच्चे में या भेड़ बकरी बच्चे में, वो जब माँ के गर्भ में होता है ना, माँ के जब पेट में होता है या यूट्रस में होता है, तो उसके अंतिम 2 माह में उसका न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है। जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें उसका न्यूट्रिशन उसको मिलना शुरू हो जाता है, उसको गाय उसको न्यूट्रिशन देती है। इसलिए जब गाय या भैंस, गाय 7 महीने की गाय बनो, भैंस 8 महीने की गाय बनो, बकरी जो है वो 3 महीने की गाय बनो, तो गर्भित पशु को प्रतिदिन जो है गाय भैंस को 15 से 20 किलो हरा चारा हमेशा उसको प्रतिदिन देना चाहिए। जब गाय या भैंस जो लास्ट के 2 महीने जब प्रेगनेंसी के होते हैं तब उसको 15 से 20 किलो हरा चारा जो है वो हमेशा देना चाहिए, ताकि जब गाय भैंस ब्याएगी ना तो उस हरे चारे की वजह से जो वो पहला दूध होता है गाय का या भैंस का, पहले 3-4 दिन का दूध होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम या खीस बोलते हैं। कोलोस्ट्रम या खीस, ये आप लोग जानते हो, जब गाय ब्याती है तो उसका पहला पहला दूध जो है उसको गर्म करते तो फट जाता है, वो खीस होती है, उसको खीस बोलते हैं, कोलोस्ट्रम इंग्लिश में बोलते हैं, या उसको फनेसा भी बोलते हैं, फनेसा भी उसको कहते हैं, फनेसा किसी भाषा में फनेसा बोलते हैं। तो अगर आपने उसको हरा चारा दिया लास्ट वाले 2 महीने में, तो उसके कोलोस्ट्रम में या फनेसा में या खीस में विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा, उसको बच्चे को ब्याने के बाद में मिलेगा। यदि आपने गर्भित गाय को या भैंस को हरा चारा नहीं दिया गया लास्ट वाले 2 महीने में,
तो उसके जो खीस मिलेगी ना खीस, उसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेगा। अगर आपने सूखा चारा खिलाया है तो उसके खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, हमें विटामिन ए देना है बच्चे को। तो हम बच्चे को क्या करते हैं कि जन्म के तुरंत बाद एक दिन दो दिन बाद में उसको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए वो देते हैं उसको। एक बार में ड्रॉप आती है उस पिला देते हैं उसको, मान लो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। और फिर क्या है, अगले 7 दिन तक उसको 5,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए डेली देना पड़ता है ताकि उसके विटामिन ए की कमी पूर्ति हो। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई अगर मान लो किसी गाय को ब्याने वाली गाय है, उसको लास्ट वाला 2 महीने में आपने हरा चारा दिए ही नहीं, तो फिर उसको विटामिन ए बच्चे को कोलेस्ट्रॉल में कहाँ से मिलेगा। इसलिए उसको अलग से विटामिन ए जो है देने की आवश्यकता पड़ती है। वो मैंने मात्रा आपको बताई थी, वो मात्रा याद कर लेना कि ब्याने के बाद में कुछ समय बाद में उसको कितनी यूनिट आई इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, फिर 7 दिन तक उसको 5,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देते हैं विटामिन ए की। अब जो नवजात बच्चा है, जो पैदा बच्चा, आज मान लो गाय ब्याई है उसका बच्चा, उसको पालेंगे हम, उसको हम अगर पालेंगे तो उसको पालने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, एक तो माँ का दूध पिलाकर, सीधा माँ का दूध पिलाओ और उसको जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए उसको दूध पिलाते रहो 5 महीने 4 महीने 3 महीने तक। और दूसरा तरीका है कि उसको दूध छुड़ा देते हैं माँ का, यानी 3-4 दिन तक उसको माँ का दूध पिलाते हैं जब कोलोस्ट्रम होता है, वो खीस जब तक होती है उसके बाद में उसको दूध छुड़ा देते हैं। इसको बोलते हैं वीनिंग, WEANING वीनिंग बोलते हैं इसको। यदि आप प्राकृतिक रूप से माँ का दूध सीधा पिला रहे हो बच्चे को, अगर ये पिला रहे हो, तो गाय के ब्याने के 2 घंटे के भीतर ही नवजात को माँ का दूध, जो जिसे हम खीस बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो पिलाना चाहिए, उसको भरपूर पिलाना चाहिए। 2 घंटे बाद में क्या है कि बच्चा पूरा एक्टिव हो जाता है, माँ भी मतलब क्या है प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाती है। उसके बाद में जो दूध निकालते हो आपने, वो दूध जो है वो सीधे उसको बच्चे को पिला देना चाहिए। हम तो क्या उसको, जब आदमी उसको यूज़ करता है खीस को, घरों में क्या होता है, घरों में जब गाय ब्याती है भैंस ब्याती है तो उसका पहले वाला जो दूध होता है 3-4 दिन का, वो फटता है अगर आप गर्म करते हो तो। फिर गाँव वाले क्या उसको गर्म करते हैं, उसके अंदर गुड़ मिला लेते हैं, गुड़ मिला के उसके अंदर जैसे चाय बनाते हो वैसे उसमें गुड़ डाल देते हैं दूध में, और दूध गर्म करते हैं तो दूध फट सा जाता है, वो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन फट जाता है और गुड़ डालते हैं तो मीठा हो जाता है उससे, और वो फिर लोग जो है उसको पी लेते हैं। उससे क्या उनके, अगर मान लो किसी आदमी को नाइट ब्लाइंडनेस से हथौंधी है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए बच्चे को, नवजात बच्चे को गाय के ब्याने के तुरंत 2 घंटे बाद में उसको खीस पिला देनी चाहिए। अब ये खीस जो है ना, ये 3-4 दिन तक बनती है, इसलिए इसको गाय को, बच्चे को 3-4 दिन तक दूध भरपूर पिलाना चाहिए। अब नवजात बच्चे को दूध निकालने से पहले और निकालने के बाद में लगभग 3 महीने तक सीधा दूध उसको पिलाना चाहिए। यानी आप जब गाय को दूहते हैं ना, तो उससे पहले बच्चे को छोड़ते हैं तो वो दूध पी लेता है, फिर उसको अलग कर देते हैं, फिर उसका दूध निकालते हैं, फिर कुछ छोड़ देते हैं दूध, तो वो बच्चा पी लेता है। इसका मतलब ये है कि 3 महीने तक, जब बच्चा हो जाए 3 महीने का, तब तक उसको गाय के दूहने से पहले और बाद में उसको दूध पिलाना चाहिए। उसके लिए ये क्यों पिलाते हैं कि इस अवधि में बच्चे का 3 महीने तक जो है ना, उसका रूमन जो होता है, रूमन जिसमें कचरा फर्मेंट होता है, आप जानते हो जुगाली करने वाले पशु जो है उसके पेट के 4 भाग होते हैं, पहला भाग रूमन होता है, फिर रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। इसलिए रूमन जो है वो 3 महीने के बाद में ही एक्टिव होता है, तब तक वो जो है वो रूमन जो है वो एक्टिव नहीं होता है। इसलिए उसको चारा नहीं खिलाते हैं, सिर्फ दूध पिलाते हैं, और वो क्या इस अवस्था में घास भी नहीं पचा पाता है। यानी चारा जो सूखा चारा तो अलग बात है, हरा चारा भी वो पचा नहीं पाता है, क्योंकि उसका रूमन जो है वो एक्टिव हो नहीं पाता है। तो
अब इसमें पेज नंबर 172 पर एक सारणी दी हुई है 14.1। उस सारणी में बच्चे की उम्र के आधार पर उसको दूध कितना कितना देना है वो बताया हुआ है। यानी आप उसको दूध दोगे, फिर उसको काफ स्टार्टर दोगे, फिर अच्छी गुणवत्ता का उसको घास दोगे। वो घास कब दोगे? अगर वो 1 से 3 दिन का है बच्चा, मान लो 1 से 3 दिन तक, तब तो उसको बॉडी वेट पे, बच्चे की जितनी बॉडी वेट है उसका 10वां हिस्सा उसको खीस दिन में 3 बार देना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए उसको। क्योंकि पहले पहले दूध जो है वो खीस होता है, बच्चे को दिन में 3 बार पिलाना चाहिए उसको। यानी कितना पिलाओगे आप उसको बॉडी वेट के हिसाब से, अगर बच्चे का भार 15 किलो है तो उसको 1.5 किलो खीस पर डे पिलाओगे, दूध खीस वाला दूध पिलाओगे। 4 से लेकर 14 दिन का जब बच्चा होता है तो उसको उसकी बॉडी का 1/10 भाग तक, अगर मान लो उसका भार 10 किलो है तो उसको 1 किलो दूध डेली पिलाना है। यानी माँ का दूध जो होल मिल्क बोलते हैं जिसको, सीधा उसके थन से लगा के उसको 14 दिन तक का जब हो जाए तब पिलाना है। और जब वो 15 से लेकर 21 दिन का हो जाए, यानी 21 दिन तक का जब हो जाए तब भी उसको दूध पिलाना है ऐसे 10वां हिस्सा उसके बॉडी वेट का। और उसको थोड़ा काफ स्टार्टर देना चाहिए। काफ स्टार्टर क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा काफ स्टार्टर क्या है, ये आगे आपको वर्णन आएगा काफ स्टार्टर। और थोड़ा उसको, हालांकि इसमें लिखा है घास, लेकिन घास जो है 21 दिन तक नहीं देते हैं, 21 दिन में खाएगा भी नहीं। 22 से 35 दिन का होगा तब उसको होल मिल्क देते हैं, यानी बॉडी वेट का 15वां हिस्सा देते हैं उसको। जितना बॉडी वेट है 15 किलो भार का है तो उसको 1 किलो दूध पिलाना चाहिए दिन में। और काफ स्टार्टर उसको थोड़ा देना चाहिए, 100 ग्राम पर डे काफ स्टार्टर दे सकते हो। जब वो 2 महीने का हो जाए, 2 महीने का जब हो जाए तो उसको बॉडी वेट का 1/20 हिस्सा, यानी अगर वो 20 किलो बॉडी वेट है तो उसको 1 किलो मिल्क पर डे पिलाना चाहिए, होल मिल्क माँ से सीधा पी लेगा। और 250 ग्राम उसको काफ स्टार्टर दे सकते हो। और उसको हरा चारा जो है घास वगैरह अच्छी क्वालिटी की वो भी आगे रख सकते हो ताकि वो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देगा। और जब वो 2 से 3 महीने का हो जाए तो उसको धीरे धीरे दूध को कम कर देना चाहिए, जो आप पिला रहे हो ना इस तरह से 15वां हिस्सा 10वां हिस्सा उसको कम कर देते हैं और उसको काफ स्टार्टर की मात्रा बढ़ा देते हैं, वो 500 ग्राम तक देना शुरू कर देते हैं और उसके आगे हरा चारा डाल देते हैं, वो इच्छा अनुसार खा लेगा। क्योंकि 2 महीने के बाद में 2-3 महीने का जब हो जाए तो उसका रूमन जो है वो क्रियाशील हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फनेसा या कोलोस्ट्रम क्या है, यानी फनेसा कोलोस्ट्रम खीस ये क्या है। यानी बच्चे को 3 से 4 दिन तक, यानी ब्याने के बाद में, गाय जब ब्याती है तो उसका जो बच्चा है उसको ब्याने के तुरंत बाद 2 घंटे बाद से लेकर 4 दिन तक उसके शारीरिक वजन का, बच्चे के शारीरिक वजन का 1/10वां हिस्सा उसको कोलोस्ट्रम रोज पिलाना चाहिए दिन में 3 बार। यानी आप जानते हो जो माँ जब गाय ब्याती है, भैंस ब्याती है, बकरी भेड़ या औरत जो भी है जो बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम जो दूध होता है पहला जो प्रथम टाइप का दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। यानी ये कोलोस्ट्रम वाला दूध जो है ये गाढ़ा होता है और इसका रंग पीला होता है, यानी क्रीम कलर का दूध होता है, पीला क्रीम कलर का दूध होता है। ये क्रीम कलर के इसलिए होता है, विटामिन ए बहुत मात्रा में होता है इसमें, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है इसमें, इसलिए इसका कलर ये ऐसा होता है। खीस में प्रोटीन की मात्रा 17% होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है खीस में प्रोटीन की। और साधारण दूध जो है ना, जब खीस बनना बंद हो जाए, यानी ये खीस वाला दूध जो बैठे के 3-4 दिन तक निकलता है उसके बाद में फिर साधारण दूध हो जाता है, जो आप गर्म करोगे तो फटेगा नहीं। जब तक दूध फटता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। जब दूध फटना बंद हो जाए 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, तब उसको साधारण दूध बोलते हैं। और उस साधारण दूध में प्रोटीन 3.5% होता है, कहाँ 17% और कहाँ 3.5%। तो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब है जो बीमारियों से लड़ते हैं, शरीर में बीमारी आ गई तो उससे लड़ने के लिए जो फौज होते हैं ना, उनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा, जो रोग को प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीर में पैदा करते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इम्यूनो का मतलब है इम्यून हो गया, इम्यून का मतलब है उसमें शक्ति आ गई,
लड़ाई लड़ने की बीमारी से, तो उनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन कितने हैं, एम टाइप के, जी टाइप के, ए टाइप के, ये कई प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। और ये नवजात बच्चे की बीमारियों से, अनेक प्रकार की बीमारियों से रक्षा करते हैं। अब इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए, विटामिन डी और ई और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और पोटेशियम, ये सॉरी फास्फोरस, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और फास्फोरस, ये मिनरल्स भी उसमें पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। और ये क्या है, ये जो मैं बताया था विटामिन ए, डी, ई और ये मिनरल्स, ये बच्चे में बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। एक क्या है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये दस्तावर होता है, यानी ये अगर जब बच्चा पीता है तो उसको दस्त लगते हैं, यानी उसको कब्जी नहीं रहती है। यानी जो पहले टाइप का बच्चे की लेटरिन जिसे बोलते हैं ना, फीकस, फीकल मटेरियल या मल जिसे बोलते हैं, पहली बार का मल जो होता है उसको म्यूकोनियम बोलते हैं। पहली बार जो बच्चा मल त्यागता है उसको म्यूकोनियम बोलते हैं। और ये म्यूकोनियम जो है ये पास आउट होता है जब उसको कोलोस्ट्रम खिलाते हैं, क्योंकि कोलोस्ट्रम जो है वो दस्तावर होती है, वो कब्जी को दूर करती है, इसलिए ये पिलाना ज़रूरी है। तो आपको ये एग्ज़ाम में 100% आएगा कि म्यूकोनियम क्या है, इसके लिए क्या देना ज़रूरी है, इसके लिए कोलोस्ट्रम पिलाना ज़रूरी है। इसमें इस खीस के अंदर या कोलोस्ट्रम के अंदर एक एंटी ट्रिप्टिक एंजाइम होता है, एंटी ट्रिप्टिक एंजाइम जिसे बोलते हैं, वो होता है इसके अंदर। वो क्या करता है, वो प्रोटियोलाइसिस से बचाता है, वो दूध को, दूध में प्रोटियोलाइसिस की जो क्रिया है उससे बचाता है। यानी प्रोटियोलाइसिस का मतलब है वो दूध के अंदर प्रोटीन को लाइसिस होने से बचाता है। अच्छा, इसे, इस कोलोस्ट्रम को नवजात को 3 दिन तक आवश्यक रूप से पिलाना चाहिए, 3 दिन तक इसको जरूर ही पिलाना चाहिए। कोलोस्ट्रम अगर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो, मान लो कैसे नहीं हो सकता है, यदि बच्चा जिंदा रह जाए, माँ मर जाए, या प्रसव के समय माँ के दूध ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है माँ के दूध आता ही नहीं है, तो बच्चा कोलोस्ट्रम कहाँ से पिलाओगे। और कई बार क्या होता है, गाय ब्याने के तुरंत बाद में मर जाती है और बच्चा जिंदा रहता है, फिर आप बच्चे को कोलेस्ट्रॉल कहाँ से पिलाओगे, माँ तो मर गई। उस कंडीशन में बच्चे को ऑर्फन बोलते हैं, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। और ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ हो गया, यानी माँ मर गई तो वो अनाथ हो गया, अगर उसके माँ के दूध नहीं आया तो भी वो अनाथ ही है, क्योंकि उसको दूध नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में हमें कृत्रिम खीस बना के खिलानी पड़ेगी बच्चे को, कृत्रिम आर्टिफिशियल खीस बनाएंगे। आर्टिफिशियल खीस बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं और आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो गाय मर गई तो उसको कोलेस्ट्रॉल कहाँ से दोगे, तो आप बताओगे हमें उसको कृत्रिम रूप से खीस तैयार करके पिला सकते हैं। वो कैसे पिलाओगे, उसमें गर्म पानी लेते हैं 275 ml, गर्म पानी 275 ml लेते हैं, उसमें साबुत अंडा जो है, रो एग का मतलब साबुत अंडा, मुर्गी का अंडा, उसको फेंट लेते हैं। फेंटना मतलब विपटेक का मतलब है उसको फेंटना, उसको तोड़ के उसमें पानी में फेंट लेते हैं। उसके अंदर कैस्टर ऑयल मिला लेते हैं 3 ml, 3 ml उसमें अरंडी का तेल मिला लेते हैं 3 ml, और विटामिन ए ये भी मिलता है बाज़ार में, वो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट उसमें डाल लेते हैं। एक दूध लेते हैं किसी गाय का, वो गाय तो मर गई, कोई दूसरी गाय का दूध लेते हैं, वार्म होल मिल्क पूरा दूध, उसमें पानी वाणी कुछ नहीं मिलाना है, वो 525 ml लेते हैं, दूध गर्म करके 525 ml वो इसमें मिला लेते हैं। और उसके अंदर ओरियोमाइसिन पाउडर आता है, एंटीबायोटिक होता है ये, वो 80 mg उसमें डाल देते हैं। ये सारा जो है इस चीज़ को 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, और दिन में इसको बिल्कुल ऐसा गर्म करके, गर्म गर्म नहीं पिलाना उसको, उसको जब ल्यूक वार्म होता है, इंग्लिश में ल्यूक वार्म बोलते हैं, वैसे हमारी भाषा में उसको न्यू नवाया कहते हैं, न्यू नवाया कहते हैं ना, जो जिसको हम हाथ मिलाए, हाथ लगाएं तो वो हमारे हाथ जले नहीं, जिसको हम पी सकते हैं खुद,
वैसा दूध उसको दिन में 3 बार तक पिलाएं। ये कब तक पिलाओगे? दिन में 3 बार तक पिलाओगे, 3-4 दिन तक पिलाओगे। अब सेकंड चीज़ होती है कि माँ का दूध छुड़ा देते हैं, जैसे गाय ब्याती है उसको खीस पिला देते हैं 2-3 दिन, उसके बाद उसका दूध माँ का छुड़ा देते हैं। इसको बोलते हैं विनिंग, विनिंग बोलते हैं माँ का दूध छुड़ाना, WEANING विनिंग बोलते हैं। यानी नवजात को माँ से दूध छुड़ाकर जो पालने के पत्ते उसको विनिंग बोलते हैं। यानी नवजात बछड़े को या बछड़ी को गाय के ब्याने के जस्ट बाद में या ब्याने के 4 दिन बाद में उसको खीस पिला के यानी कोलोस्टम पिला के माँ से अलग करके पालने की विधि को विनिंग बोलते हैं। और ये विनिंग भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आप माँ से जब उसको अलग करोगे तो उसको दूध पिलाने के लिए आप क्या करोगे? माँ से अलग करके अगर मान लो कई लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन माँ का दूध पिला देते हैं उसको, और कई लोग क्या करते हैं माँ का दूध उसको ठंड से नहीं पिलाते हैं, उसको निकाल के पिलाते हैं। तो कभी भी कोलोस्ट्रम जो है उसको गर्म करके उसको नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें 17% प्रोटीन होता है जो गर्म करने पर फट जाता है, क्लोट हो जाता है, इसलिए उसको गर्म नहीं करना चाहिए। दूध या कोलोस्ट्रम या तो निप्पल से बच्चे को पिलाओ, निप्पल आती है जैसे बच्चों को पिलाने के लिए, उससे पिलाओ उसको बोतल पे लगा के, या फिर क्या उसका मुंह ऊपर करके पिलाओ उसको, मुंह ऊपर करके उसको वो दूध पिला सकते हो आप। किसी निप्पल से पिलाओ तो उसका मुंह ऊंचा कर दो और वो पीता रहेगा। अथवा क्या है, एक विधि और है, एक विधि ये है कि आपके घरों में परात मिल सकती है, बाल्टी मिल सकती है, एक तसला बोलते हैं जिसको, तसला मतलब एक बर्तन है, बठल जैसा, बठल बोलते हैं ना वैसा बर्तन है, उसके अंदर दूध डाल लो जो उसको पिलाना है जितना दूध। और उसके बाद में क्या है कि इस दूध को जो है तसले में डालो, यानी चौड़ा मुंह होना चाहिए उसका, जिसमें उसका मुंह आराम से जा सके। अब उस चौड़े मुंह के बर्तन में दूध डाल लो और नवजात के मुंह में अपनी उंगली डाल लो, नवजात बच्चा उसके मुंह में अपनी उंगली डालो ताकि वो ठंड समझ के उस उंगली को चूसेगा, आपकी उंगली को, वो सोचेगा मेरे मुँह में ठंड है, वो चूसेगा। आप धीरे धीरे क्या करो, उस उंगली को मुँह से निकाल के उस दूध में डाल लो, दूध में डाल लो उसका मुंह दूध के ऊपर करके, वो क्या करेगा, वो सोचेगा मेरे मुंह में उंगली है, और वो उस दूध को शक करने लगेगा, दूध को शक करने। जब आपका बच्चे का मुंह दूध में डूब जाए थोड़ा सा और बच्चा दूध को चूसने लग जाए, चूस के खींचने लगे, वो सीख जाए, तो आप अपनी उंगली को वहाँ से हटा लो, और इस तरह बच्चा जो है वो दूध पीना सीख जाएगा, वो दूध जो है तसली में से पीना सीख जाएगा। अब आप क्या करोगे, 4 से 5 सप्ताह तक जो इस तरह का काफ है, वीन्ड काफ जिसे बोलते हैं, विनिंग तो ये प्रोसेस होगी, और जो काफ है उसको वीन्ड काफ बोलते हैं, WEANED वीन्ड काफ, उसको 1 किलो पर 10 kg बॉडी वेट, यानी उसका भार अगर 10 किलो है तो उसको 1 किलो होल मिल्क पिलाना चाहिए उसको। कैसे, 4 से 5 सप्ताह तक उसको 1 किलो शुद्ध दूध पिलाना चाहिए। तरीका मैंने आपको बता दिया, निप्पल से पिला सकते हो या तसली में सिखा के उसको पिला सकते हो, और उसको अच्छी जो क्वालिटी का काप स्टार्टर है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन युक्त काप स्टार्टर उसको खिलाना शुरू कर देना चाहिए 5 सप्ताह बाद, मतलब जब 4-5 सप्ताह के तक। जब भी जो वीन्ड काफ है जिसको आपने माँ से अलग करके पालना शुरू किया है, जब भी उसको दूध पिलाओ तो दूध को शरीर के तापक्रम पर गर्म करके और उसमें ट्रेस मिनरल्स मिलाओ, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक, ये ट्रेस मिनरल्स है, ये उसके अंदर मिला लेना चाहिए। ये ट्रेस मिनरल्स जो है मार्केट में मोल मिलते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ट्रेस मिनरल्स को दूध मिला लो, दूध को बॉडी टेम्परेचर पर, अपने बॉडी टेम्परेचर क्या है, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है 97.6 डिग्री से फेरनहाइट हमारा टेम्परेचर है, उस पर उसको गर्म कर लेना चाहिए।
पंद्रह दिन इसमें लिखा है, 15 दिन की उम्र के बाद में, लेकिन 15 दिन की उम्र के बाद में तो आप हरा चारा नहीं दे सकते उसको, 2 महीने के 45 दिन का हो जाए उसके बाद में उसको हरा चारा थोड़ा थोड़ा खिला सकते हो, जिसमें 100 ग्राम शुष्क पदार्थ मिले ऐसा। 15 दिन गलत लिखा हुआ है, 15 दिन नहीं है, 15 दिन में तो वो हरा चारा नहीं खाएगा क्योंकि रूमन ही 2 महीने बाद में एक्टिवेट होगा। अब इसमें पेज नंबर 174 पर 14.2 नंबर की सारणी दी हुई है कि वीन्ड काफ को दूध कैसे पिलाएंगे, तो उसके 30 दिन तक तो उसको अगर उसका बॉडी वेट दिया हुआ है, भार अगर उसका 30 किलो है यानी 1 से 4 दिन की उम्र तक उसको 1/10 बॉडी वेट का कोलोस्ट्रम पिलानी चाहिए उसको, ये आपको पहले बता चुके हैं। 30 दिन अगर भार उसका 30 किलो है या वो 5 से 30 दिन का है तो उसको कोलोस्ट्रम तो बंद कर ही दो, कोलोस्ट्रम तो होगी नहीं, 4 दिन बाद में वो दूध होल मिल्क है उसको 1/10 बॉडी वेट के हिसाब से होल मिल्क पिलाना चाहिए उसको। अगर मान लो वो 25 से 30 किलो बॉडी वेट हो गया, उसका बॉडी वेट 25 से 30 किलो है या एज उसकी 1 महीने से 2 महीने हो गई तो उसको 1/15 बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब बॉडी वेट का 1/15 भाग उसको दूध पिलाना चाहिए, होल मिल्क पिलाना चाहिए। अगर वो 35 से 70 दिन का हो गया, मतलब 2 महीने का लगभग हो गया, 2.25 महीने का, तब उसको 1/25 हिस्सा बॉडी वेट का वो दूध पिलाना चाहिए और उसको थोड़ा थोड़ा हरा चारा वगैरह फिर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो हरा चारा खाने लग जाता है और उसका रूमन वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये वीनिंग के लाभ क्या है, ये आप बच्चे को माँ से अलग करके पालते हो, दूध उसको डायरेक्ट नहीं चुंगाते हो, तो उसके क्या लाभ है? उसके लाभ ये है कि एक तो हमें जो प्रति ब्यांत है गाय उसका जब हम दूध निकालते हैं पूरा, बच्चे को अलग से पिलाते हैं लेकिन पूरा दूध निकाल के हम तोलते हैं, तो उससे प्रति ब्यांत वास्तविक जो दूध उत्पादन होता है उसका हमें पता लग जाता है और उसका हम प्रोजनी टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं कि भाई हमारी गाय जो है एक ब्यांत में, ब्यांत का मतलब होता है जब गाय दूध देना शुरू करती है, शुरू शुरू में जो कोलोस्ट्रम होता है ना वो भी दूध ही है, उस टाइम से लेके जब तक गाय 2 टाइम तक दूध देती है वो उसका लैक्टेशन पीरियड है। जब गाय 1 टाइम दूध देना शुरू कर दे वो लैक्टेशन पीरियड उसका ख़त्म है, यानी वो दूध देना बंद कर दिया उसने। गाय जब तक 2 टाइम दूध देती है तब तक ही उसका लैक्टेशन पीरियड मानते हैं उसको, तो उस पीरियड का हम पता लगा सकते हैं कि इसका दूध कितना है। किसी कारणवश यदि गाय का बच्चा मर जाए तो भी पशु की मिल्किंग में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। अगर मान लो आपने बच्चे को अलग से पाल रहे हो, गाय का दूध निकाल के उसको अलग से पिला रहे हो, तो बच्चा मर भी जाए तो गाय का क्या फर्क पड़ेगा, गाय तो दूध देती रहेगी। हमें जो गाय है उसको लेट डाउन करने के लिए यानी पाउसने के लिए, पाउसना कहते हैं ना गाय, पाउसना मतलब जब थनों में दूध उतार लेती है फिर मालिक दूध निकालता है, तो अगर उसका बच्चा अगर आपने पहले ही अलग कर दिया तो उसके पाउसने में कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो क्या है, अगर आपने उस बच्चे को दूध पिलाते हो तो फिर वो बच्चा अगर बाय द वे नहीं है तो फिर वो पाउसेगी नहीं। अब ये विनिंग पद्धति से बच्चे को जब आप पालते हो तो उसको पौष्टिक पदार्थों के उपयोग द्वारा, पौष्टिक पदार्थ बाजार से खरीद कर उसको सस्ती दरों पर पाल सकते हो आप। विनिंग अगर आप अपनाते हो तो जो काफ है उसको ओवर फीडिंग या बिलो फीडिंग नहीं होती है, आप उसको नाप के दूध पिलाते हो तो उसको ओवर फीडिंग नहीं हो सकती। ओवर फीडिंग होने से क्या, फिर उसके ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग, अंडर फीडिंग का मतलब कम मात्रा में फीडिंग वो नहीं होगी, क्योंकि उसको फिर ना तो दस्त लगेंगे ना उसको मतलब पतला दस्त करेगा वो, और ये रोगों से भी वो बचा रह सकता है। काफ के बिना अगर आप दूध निकालते हो, बछड़े को अलग दूध पिलाते हो विनिंग से, विनिंग वाले मेथड में, तो गाय का दूध जो है बिल्कुल साफ निकालोगे आप, नहीं तो क्या बछड़ा चुंगेगा और दूध में सफाई नहीं रह पाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपने काफ को अलग करके पालना शुरू कर दिया तो काफ गाय को चुंगेगा नहीं, गाय का दूध नहीं चुंगेगा तो वो थनों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, अदरवाइज क्या है थनों को काट देता है बछड़ा। तो ये कुछ विनिंग के लाभ हैं। और अब जो दुग्ध प्रतिस्थापित यानी मिल्क रिप्लेसर जो है, मिल्क को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, मिल्क नहीं पिला के उसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ उसको पिलाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, ये मिल्क रिप्लेसर के बारे में जो है
यानी मिल्क रिप्लेसर वो पदार्थ हैं जिनमें दूध की तरह रासायनिक संघटक होते हैं, यानी जैसे दूध का कंपोजिशन होता है बिल्कुल ऐसा लिक्विड तैयार करते हैं जिसमें वही कंपोजिशन होता है जो दूध का कंपोजिशन होता है, जिसके यानी विशेष तौर पर प्रोटीन और अमीनो अम्ल की मात्रा और गुणवत्ता में वसा अम्ल व लवणों का विटामिन की उपलब्धता में इनका जैविक मूल्य दूध के समान होता है। यानी जो दूध में जो चीज़ें होती है फैट जितना होता है, प्रोटीन है, मिनरल मिक्सर मिनरल्स हैं जो मिनरल्स हैं या विटामिन्स है, वो उसी अनुपात में उस लिक्विड में हम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं मिल्क रिप्लेसर। अच्छा, मिल्क रिप्लेसर में ब्यूटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और कुछ मात्रा में एंटीबायोटिक्स यानी एडिटिव के रूप में मिला देते हैं। फीड एडिटिव मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, बिल्कुल वही फीड एडिटिव जो है मिनरल्स मिल्क रिप्लेसर में ब्यूटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फीड एडिटिव के रूप में विटामिन्स को मिला देते हैं। अब एक सारणी दी हुई है 176 नंबर पेज पे, 176 नंबर पेज पर 14.3 नंबर की सारणी टेबल दी हुई है जिसमें मिल्क रिप्लेसर ये बनाया हुआ है NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है हरियाणा में, वहाँ उन वैज्ञानिकों ने ये मिल्क रिप्लेसर बनाया है। अब उसका कंपोजिशन क्या है ये आप इसमें याद कर लेना। इसके वीट दी हुई है, वीट के बाद में फिश मील है, लिनसीड मील है, मिल्क है, लिनसीड मील और मिल्क, कॉटन सीड ऑयल, सिट्रिक एसिड, मोलासेस, ब्यूटेरिक एसिड, एंटीबायोटिक्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसमें एक लास्ट में इसमें ऐड किया है रूबी मिक्स AD2D3, ये विटामिन है। अब इसकी मात्रा क्या है, इसका 1000 किलो का तैयार किया हुआ है, 1000 किलो, उसमें हर एक की मात्रा किलो में दी हुई है, 10 किलो वीट है, 10 किलो फिश, 12 किलो फिश मील है, ये सारा जो है ये इस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है। यानी अगर आप ये देखते हो तो भारतीय गोवंश जो है, भारत की जो गायें हैं उनमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसका औसत भार जो है वो 30 किलो का माना गया है। ये भी आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारतीय गोवंश में बच्चा पैदा होता है तो उसका औसत भार कितना होता है, 30 किलो भार होता है। और काफ़ी स्टार्टर जो है वो बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद देना शुरू कर देते हैं। जो पहले मैंने आपको मिल्क होल मिल्क बताया तो उसके साथ में काफ़ी स्टार्टर 10 दिन बाद में शुरू कर दिया था। अब काफ़ी स्टार्टर जो है ये इसी पेज पे 176 पे 14.4 जो सारणी है उसमें फीडिंग शेड्यूल ऑफ काव्स रेज्ड ऑन मिल्क रिप्लेसर, अब वो मिल्क रिप्लेसर पे जो उसको करते हैं तो उसको कैसे कैसे देते हैं, ये उसके बॉडी वेट और दिनों के आधार पर, उसकी उम्र के आधार पर ये हम देते हैं कि भाई कोलोस्ट्रम उसको 3-4 दिन तक, 1-5 दिन तक देते हैं, ये आपने पहले भी देख चुके हो, इसमें भी देख लेना। फिर उसको मिल्क जो है वो 6-6 दिन से शुरू करते हैं, फिर उसको कितना देते हैं बॉडी वेट के आधार पर वो दे रखा है, और मिल्क रिप्रेसर है वो कितना देते हैं वो भी इसमें दे रखा है। और जब जो बछड़ा है या बछड़ा है बछड़ी 1.5 महीने की उसकी उम्र हो जाए तो उसके शारीरिक भार को बिना ध्यान पर रखे मिल्क रिप्लेसर जो है वो 1 किलो कर देना चाहिए। यानी जब वो 1.5 महीने का हो जाए बछड़ा तो जो मिल्क रिप्रेसर है उसको हम मतलब पहले 50 ग्राम देते हैं फिर उसको 100 ग्राम देते हैं, ये क्या कर देना चाहिए, जब वो 1.5 महीने का हो जाए तो उसको डायरेक्ट 1 किलो डेली कर देना चाहिए। और 60 दिन की उम्र जब उसकी हो जाए, 2 महीने का हो जाए तो उसका मिल्क रिप्लेसर बंद कर देना चाहिए, मिल्क रिप्लेसर बंद कर देना चाहिए, उसको काफ स्टार्टर देना चाहिए। अब काफ स्टार्टर क्या है ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।